सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ मनीषा पंचाल, एक नया फलक में आप सबका स्वागत है। आज मेरी कुकिंग की 3 टिप्स है। पहली टिप्स, हर एक के घर में जब गेस्ट आते हैं तो पुड़िया बनती है, और कभी कभी ऐसा बनता है कि पुड़िया नहीं फूलती। लेकिन अब मैं जो टिप्स बता रही हूँ वो गारंटी के साथ हर पुड़िया फूलेगी, और पुड़िया फूलने के बाद फूली रहेगी लंबे समय तक। तो पहले तो आप जब उसका डो बांधे, पूड़ी का जब भी डो बनाए आटा, तो 1 कप आटे में 1 चम्मच सूजी अवश्य डालिए। इससे क्या होगा, आपकी पूरी तो फूलेगी, पूरी तो फूलती है लेकिन फूली रहेगी। सूजी डालने से पूरी फूली रहेगी। और जब भी आप पूड़ी को बेले तो उसको किनारियों से बेले, बीच में भले मोटी रहे लेकिन किनारियों से बेले, क्योंकि किनारियों से पूरी बेलने से आप जब भी पूरी तलेंगे तब आपकी हर एक पूरी फूलेगी। और बेलने के बाद हमें हमेशा पूरी ताजी ताजी बेल के तलिए, क्योंकि पूरी बेलने के बाद आप रखेंगे थोड़ी सूख जाएगी, फिर तलेंगे तो पूरी नहीं फूलेंगी। लेकिन पूरी बेलने के बाद ताजी ताजी ही तले। अगर आपको पूरी बेलने काफ़ी सारी बेल के रखनी है तो बेल के रखिए, और थोड़ा जो कपड़ा है पानी वाला थोड़ा सा करके उस पर रख दीजिए कवर करके, और फिर पूरी बेलिए, तो आपकी हर एक पूरी बेलेगी, हर एक पूरी फूलेगी। लेकिन पूरी हमेशा बेलते जाइए और तलते जाइए, तो इससे आपकी हर एक पूरी फूलेगी। टिप्स में इतना ही याद रखा है कि आपको हमेशा पूरी किनारियों से बेलनी है, और किनारियों से बेलेंगे तो पूरी फूलेगी, और फूलने के बाद उसे फूलती कैसे रखनी है, फूली हुई लंबे समय कैसे रखनी है, तो जब भी पूरी का डो बनाए तो 1 कप आटा है तो 1 चम्मच सूजी अवश्य डालिए, जिसे आप रवा भी बोलते हो ये अवश्य डालिए। इससे पूरी फूली रहती है लंबे समय तक। मेरी दूसरी टिप्स है, अगर हमारे घर में बेसन की मिठाई बनती है, बेसन का हलवा बनता है, मगस बनता है, बेसन की बर्फी बनती है, लेकिन अब के बाद 1 कप बेसन है तो 1 चम्मच पीली मूंग की जो दाल आती है, मूंग की दाल, उसका भी आटा 1 चम्मच डालिए। 1 कप आटे, 1 कप बेसन का जो आटा है उसमें 1 चम्मच मूंग की दाल का भी आटा डालें, फिर आप जो भी मिठाई बनाते हैं वो बनाइए, आपकी मिठाई ज़्यादा अच्छी लगेगी। नंबर 3 है, आप ये जानते हो, ये है चाट मसाला और ये है आमचूर पाउडर। अब इसको हम इस्तेमाल तो वैसे भी करते हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि हर एक वेस्ट चीज़ में भी अगर ये पड़ जाए तो वेस्ट बन जाती है। तो हमारे घर में चाशनी अक्सर बच जाती है। अगर हम गुलाब जामुन बनाते हैं, मालपुए बनाते हैं, अगर मीठे शकरपारे बनाते हैं, तो इसमें चाशनी की ज़रूर पड़ती है। अगर वो खाते खाते बच जाती है तो वो चाशनी का क्या करेंगे, तो वो चाशनी में अगर 1 कप चाशनी है तो ये 2 चम्मच आमचूर का पाउडर डाल दिए, और ये 2 चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए, और भुने जीरे का पाउडर वो भी 1 चम्मच डाल दीजिए। अब आप देख रहे हो ये तीनों पाउडर आप, ये है आमचूर और ये चाट मसाला और ये है भुने जीरे का पाउडर, ये चाशनी में ये 2 चम्मच और 1 चम्मच डाल दीजिए, फिर लाल मिर्च डाल दीजिए, आपको जितनी तीखी पसंद है चटनी उतना डाल दीजिए, आपकी एक आमचूर की चटनी तैयार होगी। आपको चाशनी फेंकनी नहीं पड़ेगी, और ये चटनी आप किसी भी चाट में, बेल में, पकोड़े में, समोसे में, चाट पापड़ी में बना के खा सकते हो। और हाँ, ये चटनी बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि उसकी चाशनी ऑलरेडी बन चुकी है, तो आप एक डिब्बे में भर के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। ये चाशनी वाली है चटनी, इसलिए बिगड़ेगी नहीं और चाशनी हमारी काम में आ जाएगी।
लेकिन एक कप चाशनी है तो 2 चम्मच आमचूर, 2 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुने जीरे का पाउडर। आपको मिर्च जितनी खानी है, जितना तीखा खाते हो उतना डाल दीजिए, तो आपकी ऐसी चटनी तैयार हो जाएगी। अगर मेरी ये टिप्स अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।